क्षेत्र में पड़ने वाला पंडी में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि यह मंदिर क्षेत्र में ओवरमाई के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हनुमान जी की निर्माण की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट है। वही लोगों का कहना है कि सच्चे मन से अगर आप माता के दर पर जाते हैं तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे और माता के आशीर्वाद आप पर हमेशा बनी रहेगी, जिसको देखते हुए दूर दूर से लोग माता के दर्शन पूजन व मांगलिक कार्यक्रम के लिए यहाँ आते हैं। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हनुमान को रुद्रा यानी शिव का अवतार माना गया है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के 5 मंत्रों का उच्चारण करने से आपका मंगल दोष भी खत्म हो जाता है। हनुमान जी को हिंदू धर्म में बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। मंगलवार को इनका पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। सिद्धार्थनगर से देखिए, ये महाशिवरात्रि के पर्व पर हनुमान महारुद्र यज्ञ, और क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति का पर्व है और इसमें प्रसाद और ये सब वितरण पूर्व से होता चला आ रहा है और ये हमारी हिंदू धर्म संस्कृति का ये प्रतीक है और ये हर्षोल्लास का पर्व है। छोटे से बड़े सभी लोग शिवरात्रि के पर्व पर जलाभिषेक करके जिस तरह जिसकी व्यवस्था रहती है उसी तरह से आयोजन करके प्रसाद वितरण कराता है, कोई भंडारा करने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पर्व है ये समरसता कायम करने का एक पर्व है, क्योंकि पूर्व में तमाम हिंदू समाज खंडित हो रहा था और परम पूज्य महाराज श्री ने जब देखा कि हिंदू समाज खंडित हो रहा है तो समरसता सहभोज कार्यक्रम के माध्यम पर हिंदू समाज को एक बिछावन पर बैठाकर समरसता कायम करने का संदेश दिया। आज वही संदेश निरंतर हिंदी वाहिनी के कार्यकर्ता उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस शिवरात्रि पर्व पर यहाँ जो है एक तो जलाभिषेक और दूसरा भंडारा और फिर तीसरा रुद्राभिषेक का कार्य हुआ है। तीनों हमारे जो है संस्कृति के उस पर्व को जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बड़ा अच्छा, हमें बताए लोग वीडियो साहब आ गए तो हम जल्दी भगे रास्तों में भी मंदिर पर जा रहे थे।